अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इसमें सज्जाद हुसैन योर मैथमेटिक्स टीचर फ्रॉम जिना मेन कैंपस पार्क स्कूल एंड कॉलेज। डियर स्टूडेंट्स, असा क्लास 10 जो लेक्चर नंबर 3 जो आगाज करने वाला है, आई होप के तुम प्रीवियस एक्सरसाइज 3.2 जो सम कंप्लीट कर चुका होगा। सो आज सी एक्सरसाइज 3.3 या कुछ सम सवाल करना सी, जिनमें असा के कुछ फार्मूला दरकार है, जिसकी अटेंशन में पे वे फार्मूला देते पढ़ना सी। डियर स्टूडेंट्स, सर हम पहले को फर्स्ट फार्मूला है वो किन विभिन्न रियल नंबर्स के रिप्रेजेंट करन लॉग में और उनके ब्रेक ये कहिए उन जले फार्मूला है लॉग ऑफ n n टू द बेस a इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ n टू द बेस a प्लस log of n to the base a। सो ये n है ऐसा के टू द पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं जिके मल्टीप्लिकेशन के अंदर होते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन log होते तो उनके तमा एडिशन में ब्रेक करता। सेकंड है log क्वेश्चन log log of n डिवाइडेड बाय n to the base a इज इक्वल्स टू log of n to the base a minus log of n to the base a। जैसे क्वेश्चन फॉर्म में कसम जो लॉग मिले तो हम क्या था ब्रेक करना थी माइनस में, एंड थर्ड आते हैं इसमें जो प्रोडक्ट का एक्सपोनेंट लॉग, थर्ड है एक्सपोनेंट लॉग ऑफ n पावर n to base a इज इक्वल्स टू स्टूडेंट जैसे ये n जो पहले वो असल पावर है, जैसे भी पावर का काम हम तो लॉग में तो उनके पावर के कहां ट्रांसफर करना लॉग का पहले मींस n log ऑफ n टू द बेस a। ये बेसिक ट्रे फार्मूला है जिन्हें मदद से आसान एक्सरसाइज 3.3 सिंपलीफाई कर लिया है, इन फार्मूला के तमाम मजीद रखते पे यूज कर सकता। सो ये फार्मूला तमाम यूजफुल है। एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमें सिंपलीफिकेशन लॉग ही करना है इन टर्म्स ऑफ log of x, log of y, and log of z। So dear students, हमें first question आया ऐसा जो log of x power 3 y divided by z to the base a। इन्हें question में ऐसा simplify करना है इन terms से अंदर। So इसे product का एक question formula भाई कहाँ से collectively का apply करना है, and last में ऐसा power formula apply करना है। Let's see solution log of x power 3 into y ये multiplication में आया है तथा addition में break करना है means log of 3 to the base a plus log of y to the base a। z और division form में है तो minus log of z to base a लिखना है। दिए सुना इतने x power 3 पावर फॉर्म में आए तहन पावर फॉर्म के मध्य का लास्ट फार्मूला है जैसे सिंपलीफाई करना थी मैं सिर्फ 3 के काम पे ट्रांसफर करना है एग्जैक्टली लॉग का पे। सो इस लिखा था नहीं 3 लॉग ऑफ h टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ y टू द बेस a माइनस लॉग ऑफ z टू बेस a। ही ऐसा जो फर्स्ट क्वेश्चन सिंपलीफाई की है जिनको आसानी रिक्वायर्ड आंसर इन टर्म्स ऑफ लॉग ऑफ ए लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए लॉग ऑफ जेड टू द बेस ए। दिस इन इज रिलेटेड असल क्वेश्चन नंबर सेकंड आगे लॉग ऑफ